पहला अभ्यास शशांक भुजंगासन। सांस भरते हुए दोनों कोहनियों को खोलेंगे, भुजंगासन में आ जाएंगे धीरे धीरे, गर्दन ऊपर, कोहनियां सीधी। यहां पर शरीर को रोक कर रखेंगे, ठुड्डी को ऊपर खींचेंगे, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। लगभग 15 से 30 सेकंड तक शरीर को रोक के रखेंगे और उसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को पीछे ले जाएंगे और एड़ियों के ऊपर नितंब को रखेंगे, हाथों को सामने खींचेंगे, माथे को सिर के ऊपर रखा, माथे को जमीन के ऊपर रखा जा सकता है, पूरा पीछे की ओर खींच के रखेंगे। लगभग 25 से 40 सेकंड तक यहाँ पर रोक कर रखेंगे, फिर उसके बाद सांस भरते हुए भुजंगासन यहाँ पर भी रोक कर रखेंगे और लगभग 15 से 25, 30, 40 सेकंड तक रोक कर रखने के बाद फिर शशांकासन, सांस छोड़ते हुए यहाँ पे भी रोक के रखेंगे, फिर उसके बाद भुजंगासन। और इन दोनों आसनों का अभ्यास लगभग 6-6 बार तक करेंगे। अभ्यास 6-6 बार कर लेने के बाद कोहनियों को मोड़ें। नियमित रूप से यदि इन अभ्यासों को किया जाए और इन अभ्यासों को इसी क्रम में करें, यह विशेष रूप से ध्यान रखें, जिस क्रम में आसनों को करके आपको दिखाया गया है उसी क्रम में आसनों को करें, पहले से लेकर अंतिम तक। नियमित रूप से यदि इनका अभ्यास आप दिन में 2 बार करते हैं तो पीठ के दर्द से, सारा दिन बैठे रहने से होने वाले दुष्ट परिणामों से बचा जा सकता है और स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।